Good evening. Good evening, ma'am. तो आज सेल्फ के कुछ पार्ट के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सेल तुम्हारा किससे बना हुआ है? तीन मेन कंपोनेंट। वो मेन कंपोनेंट क्या क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब ये होता है होलो और प्लाज्म मतलब लिक्विड। होलो स्पेस जिसमें लिक्विड होगा, ठीक है आशु, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड है जो कि तुम्हारा सेल का मतलब इनसाइड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ अ सेल, यानी सेल का जो इनसाइड का जो स्पेस होता है ना वो मैक्सिमम फुल कर, उसमें मैक्सिमम क्या कर रहे होता है? साइटोप्लाज्म कर रहे होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है क्या? वो स्पेस जहां पे जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है और सारे सेल ऑर्गेनेल भी सेल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। फोटो बनाया ना हम लोग, न्यूक्लियस बीच में है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है और उनके बीच में क्या है? जो फ्लूइड प्रेजेंट है और जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो, इट हैज अदर ऑर्गेनेल, इसमें बाकी ऑर्गेनेल भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल हम लोग देखते हैं। About cell membrane. Cell membrane क्या है तुम्हारा? Thin covering surrounding the cytoplasm. Cytoplasm के बाहर क्या present होता है? Thin covering present होता है, इसको हम लोग cell membrane बोलते हैं, यानी कि cell का membrane, cell का covering, ठीक है। तो हमारे body का covering skin है ना, तो cell का covering क्या है? Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है सेल को किससे? उसके सराउंडिंग, है ना। अब इसके पास क्या है? किसी भी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो बाहर की जो चीज को अलग कर रहा है ना, बाहर की जो मटेरियल है वो इसको बचा रहा है। दूसरी बात, ये क्या करता है? सेल सेल को सेफ देता है, ठीक है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह मतलब नहीं घुस जाए या कोई भी मटेरियल के अंदर आ सकता है और इसके बाहर आ सकता है। इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे H2O के मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम गया, ठीक है, पोटेशियम गया, ये सब इसके अंदर भी जा सकता है और बाहर ज्यादा होगा तो बाहर भी निकल सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ये सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे न्यूक्लियस क्या है? तुम्हारा स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जो फ्लोट करता है, किसका साइटोप्लाज्म में बीच में जो फ्लोट करता है, स्पेशल बॉडी उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जैसा हमारे बॉडी में ब्रेन सब उसको कंट्रोल करता है ना, वैसे एक तरीके से समझो कि सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल सेंटर है किसका? सेल का, ठीक है। यहाँ पे एड कर सकते हो जस्ट लाइक आर बॉडी, सो जस्ट लाइक आर ब्रेन, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करता है? सेल का ग्रोथ, सेल को कितना ग्रो करवाना है ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है, ठीक है। सेल का ग्रोथ न्यूक्लियस डिसाइड करता है, जितनी भी एक्टिविटी होगी सेल में उसका कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द सेल, ठीक है। नाउ कम्स टू हियर, कुछ कुछ स्टफ है उनका मतलब जानना है। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला ले तो क्या बोलेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन, क्या हो गया तुम्हारा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, पहला लिक्विड, ठीक है। प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्रोटो मतलब फर्स्ट, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? हेलो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? चलो, उसके बाद क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड
मटेरियल होगा, जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, है ना। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। द लिक्विड प्रोटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो थिन मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि मतलब मानो ये सेल है, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन हो गया सेल का, बीच में न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये पूरे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को सेपरेट किससे करता है, साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूक्लियस से ऊपर मेम्ब्रेन तो किससे बात अलग करेगा, साइटोप्लाज्म से, ठीक है। हो गया, चलो सेल यानी क्या है, तुम्हारे जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, बिखरे पड़े हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। जैसे हमारा एक सेल एक पार्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, तो उस सेल में भी जो ऑर्गेनेल है वो अपने पार्टिकुलर काम कर रहा है। तो देयर आर वेरियस टाइप, बहुत टाइप के होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन, सारे ऑर्गेनेल का अलग अलग। सबसे पहला ऑर्गेनेल क्या है, प्लांट में होता है, एनिमल में बहुत स्मॉल होता है, इसका क्या है स्ट्रक्चर है, थाला के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो तुम्हारे प्लांट के लिए अनयूजफुल सब्सटेंस हो गया, वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, जो उनके काम का नहीं होगा वो सारा तो कहाँ स्टोर करते हैं, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम अच्छा खासा बड़ा होता है प्लांट, एनिमल में बहुत छोटा होता है कंपेयर टू प्लांट, ये एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। सुन लो ना, माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें तो ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, ठीक है। स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल ऐसा होता है, उसमें सेल नहीं होता है, थैला जैसा, ठीक है। जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, यानी खुद को तोड़ेगा और उससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है। वही एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसी एनर्जी की वजह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल तो पावर हाउस है, सारा काम यही है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी मिलेगा, सारा काम करने के लिए एनर्जी यही से मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है, स्मॉल कलर्ड बॉडी है लीफ में, इसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं जिसमें तुम उसे क्लोरोप्लास्ट, स्मॉल कलर्ड बॉडी जो हमारे लीफ सेल में होता है, लीफ सेल इन द सेंस प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिड। यही प्लास्टिड अगर ग्रीन होता है तो इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यही ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, वो क्या है, क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रैप कर पाता है इजीली, ठीक है। यानी कि एनर्जी को सनलाइट के थ्रू रिसीव कर पाता है, ठीक है। तो दिक्कत देखो, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट किसमें होगा, एनिमल, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद आते हैं हम लोग गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी तुम्हारा क्या करता है, एंजाइम बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये तुम्हारा क्या हेल्प करता है बनाने में, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज और लिपिड को जोड़ने का काम करता है, लिपिड मतलब क्या होगा फैट, ठीक है। ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज, प्रोटीन तो पता ही है, ग्लूकोज और प्रोटीन को जोड़ेगा और ग्लूकोज और लिपिड को, यानी कि प्रोटीन से ग्लूकोज को जोड़ेगा और लिपिड से भी ग्लूकोज को, ठीक है। हो गया, देखो जो तुम्हारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है जो तुम्हारा न्यूक्लियस है इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस के बाहर। ये दो टाइप का होता है स्मूथ और रफ। रफ क्यों होता है, हम बता चुके हैं जब इसके ऊपर क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट है। रफ का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। और जो स्मूथ रफ का काम क्या होता है, बनाना लिपिड, यानी लिपिड माने फैट वगैरह, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, याद रखना। लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैक करते हैं, ठीक है। जब भी सेल पुराना हो गया या सेल में बैक्टीरिया वायरस घुस जाता तो लाइजोसोम एक एंजाइम को एंजाइम सीक्रेट करता है और अपने इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। समझी, सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारा सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है, यानी कि जो सेल को डिवाइड करेगा एक सेल से दो सेल में बांटेगा वो तो किसकी वजह से होता है, सेंट्रोसोम की वजह से, ठीक है। क्योंकि सेल का ग्रोथ तो हो रहा है बार बार, ग्रोथ पूरा तो डिवाइड तो करना होगा, डिवाइड सेंट्रोसोम, ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स, फॉलो करो प्लांट्स और एनिमल्स फॉलो करो। एक मिनट डालो प्लांट्स के लिए, एक मिनट डालो एनिमल्स। उसके बाद देखो सेंट्रोसोम प्लांट में एब्सेंट, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम एब्सेंट। एनिमल में क्या जो सेंट्रोसोम, ये आगे तो होता है एनिमल में देखो सेंट्रोसोम प्रेजेंट। प्लांट से लिखना, प्लांट से जनरली लार्ज साइज है,
plant cell is generally larger in size than animal cell. Larger in size than animal cell. Or animal cell will become animal cell are generally smaller in size than plant cell. It has chloroplast, it has no chloroplast. Cell wall present, cell wall absent. It is not permanent. It is small and temporary. Centrosome absent, centrosome present. Plants are generally larger in size. Clear than? ठीक है, यहाँ पे लिखेगा एनिमल सेल जनरली स्मॉलर साइज देन प्लांट. ठीक है, समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? समझ आ गया. कॉलम आप मैडम उसको क्या याद कॉलेज में नाम लिखा है वो क्या याद है? बस पांच मिनट. वो क्या याद? योटिक सेल. और एक मिनट आओ यू क्या योटिक सेल? Thank you.
अर्ली बॉडी लाइगोसोम इनको प्लाज्मा कहते हैं ना, और एक्सेल रेटिकुलम ठीक है। एग्जांपल देना बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ये पूरा एंड करते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी। यू कैन नॉट एक्सप्लेन the cell having nuclear material without nuclear membrane, sorry with nuclear membrane, without partner, with nuclear membrane, the cell having nuclear
न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, ठीक है। बस और राइबोसोम है तो वो स्टेबिलिटी है, जबकि यूकेरियोट्स की बात करें तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट राइबोसोम एटीएस, ठीक है। तो याद रखना, और एग्जांपल याद रखना बैक्टीरिया और न्यूक्लियस के प्रोकैरियोट्स।